हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस रिजल्ट 8415 काफ़ी लेट हो चुका है। हर साल यानी हर बार जब इसका एग्ज़ाम होता है तो लगभग 3 महीने के आसपास इसका रिजल्ट आ जाता है, तो देरी तो हो रहा है। इस पे लेके बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं, कि क्या सभी कॉपी अंदर से रंगे जा रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है, अभी तक क्या क्या हो रही है, रिजल्ट में देरी होने का क्या रीज़न है। तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि आज का हमारा क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, मतलब किन किन टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या सभी कॉपी अंदर से रंगे जा रहे हैं। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दे, भारत के जो नए 8 राज्यपाल बने हैं वो कौन से राज्य के कौन कौन बने हुए हैं, ये आपके लिए करंट अफेयर्स हो सकता है अगर आप बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। साथ ही साथ रिजल्ट डेट की बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और फिजिकल कब से शुरू होगा, फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, और साथ ही साथ बारिश से फिजिकल पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सारे 6 टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ के भारत के जो नए 8 राज्यपाल हुए हैं उनका राज्य वाइज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मिजोरम के राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कम्बमपति, याद रखिएगा। दूसरे हैं हरियाणा के राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधारण पिल्लई। झारखंड के नए राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगान भाई पटेल। और 8 नंबर हिमाचल प्रदेश, तो इसके जो नए राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ लेंकर हैं। ज़्यादातर साउथ इंडियन है, ठीक है ना, इसलिए नाम थोड़ा सा अजीब है। हम लोग बिहारी हैं तो हम लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है और इन लोगों का नाम अलग होता है। तो ये तो हो गए राज्यपाल के बारे में। उसके बाद से हम कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ अगर इतना है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी, तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि शुरू कर दीजिए, ज़्यादा वक्त मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि जितना रिजल्ट में देरी हो रहा है ना आपके फिजिकल में उतना ही कम समय मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वेट मत कीजिए, अगर इतना कट ऑफ आपका ऊपर है तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में आता है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। आगे मैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये जो रिजल्ट आने में देरी हो रहा है इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, रिजल्ट में देरी आने का सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन, जो आपको पता है। लगभग अप्रैल में लॉकडाउन आपका 5 से 6 तारीख को लॉकडाउन तो नहीं लगा था, बट स्कूल कोचिंग ये सारी चीज़ बंद हो गए थे, और अगले महीने में 5 मई से आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जिसमें सारे कार्य स्थगित कर दिए, जो भी ऑफिस था सभी बंद हो गए। तो इसके कारण आपके रिजल्ट में देरी हुई है। सो घबराना नहीं है, रिजल्ट आपका आएगा, और फिजिकल का जो डेट है वो आपके रिजल्ट आने के बाद से, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि आफ्टर रिजल्ट, यानी रिजल्ट आने के बाद अंडर 15 to 35 days, यानी 15 से 35, यानी कम से कम आपको 15 दिन का समय मिलेगा और अधिक से अधिक 35 दिन का समय मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा लेट हो रहा है रिजल्ट में तो आपको समय कम ही मिलेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो इसके चक्कर में आप लोग न लगें कि आपको टाइम ज़्यादा मिलने वाला है, किसी किसी की बातों में न आए। और बात कर लें रिजल्ट की, इस साल रिजल्ट ये जो कब आने वाला है, तो आपको पता है कि इसमें पद टोटल थे कितने, 8415, और इसका विज्ञापन आया था 11 नवंबर 2020 को, लिखित परीक्षा हुई 14 मार्च को 2021 को और 21 मार्च 2021 को। और इसका रिजल्ट देखिए आज कितना तारीख है, तो आज तारीख है आपका 11 जुलाई, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 जुलाई से 15 जुलाई, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि संभावना है, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ भी सकता है, बट अभी चांसेस इसका अगर नहीं हुआ 15 का,
तो अगर 15 को रिजल्ट नहीं आया तो याद रखिएगा इस महीने के लास्ट में ही आएगा, उसके पहले नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट कोई क्लियर नहीं बताएगा, क्योंकि सही बात है कि रिजल्ट आज से 20 दिन बाद रिजल्ट आएगा, किसको पता है, तो किसी को पता नहीं रहता है। तो बस वही है कि रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आने से 3 से 4 दिन पहले लोगों को पता हो जाता है, ये बात सही है। तो बस अगर 10 से 15 जुलाई तक देख लीजिए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आया तो इस महीने के लास्ट में आ जाएगा। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे। और बारिश से फिजिकल पर, तो देखिए बारिश के चलते फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार अपना सब काम करती है, उसे बारिश से कोई मतलब नहीं होता। बारिश से आपको दिक्कत है, सरकार को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो आप लोग अपनी तैयारी को अपना तैयार रखें, ठीक है ना, इसमें आप लोग बिल्कुल भी मतलब लापरवाही। तो अब हम लोग बात कर लें कि क्या कॉपी अंदर से रंगे जा रहे हैं या नहीं रंगे जा रहे हैं। तो देखिए मुझे कुछ लड़कों से मुलाकात हुई तो मुझे ये सुनने में आया कि हाँ कॉपी रंगा जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे मुझे मिले जो ये बता रहे थे कि मैंने किसी दलाल को, किसी को मैंने पैसा दिया है और मेरा कॉपी अंदर से रंगा जा रहा है और मुझे दिखाया भी जाएगा। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी जगह पता भी किया, बट मुझे इसमें कुछ कुछ सच्चाई लगी कि ये मे भी हो सकता है, क्योंकि दलाल जिस तरह बात कर रहे हैं उनके बात के हिसाब से लगता है कि कॉपी अंदर से रंगे जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कर सकता है कि अपना आदमी बैठा करके एग्ज़ाम दिलवा सकता है उल्टा सीधा करके, मतलब कि मेरे जगह पे किसी और के एग्ज़ाम दिलवा सकता है। लेकिन अंदर से कॉपी रंगा जाना इतना आसान चीज़ तो नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी तो इसमें काम करती नहीं है, और सबको खरीद लेना, सबको कर लेना इतना आसान भी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता है कि अंदर से मतलब कॉपी रंगा जा रहा है। सो आप लोग अगर इस चीज़ को लेकर के टेंशन में है कि कॉपी रंगा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहें। अगर आप कट ऑफ के अंदर हैं, जितना मैंने कट ऑफ दिखा दिया है, आप बेहिचक तैयारी कीजिए, उन्हीं लोगों का रिजल्ट होने वाला है, ठीक है ना। जितने भी लोग सेटिंग वाले लग रहे हैं तो उनका रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बताना था। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।